अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिला समूह से पोषाहार राशन योजना के वितरण की जिम्मेदारी हटाने से सैकड़ों महिलाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में इस योजना से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। प्रदेश की बाल विकास मंत्री महिला समूहों से ये कार्य छीन रही हैं और उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस समूहों के साथ खड़ी रहेंगी और बीजेपी सरकार की महिलाएं विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन करेंगी। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टेक होम राशन की जो घटना है, जिससे हजारों महिलाएं बेरोजगार हुई हैं, उसके एवज में बात करने हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ सरकार बात करती है रोजगार देने की, महिला सशक्तिकरण की, वहीं पर आज महिलाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं। महिला समूहों द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो राशन वितरण की प्रक्रिया चलती आ रही थी 2013 से, उस पर रोक लगा के उसको NCCF समिति को देने की बात चल रही है और सरकार जो है इसमें भी धांधली कर रही है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का लगभग 80% काम पूरा हो गया है। फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है, यहाँ छात्रों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार जिले के लिए एक बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, NMC के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है कि अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है।